हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर ईएसआई की एंट्री करना। ईएसआई मतलब इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है वो मैनेज किया जाता है इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। नियम ये कहता है कि किसी भी इम्प्लॉयर के यहां अगर 10 या उससे अधिक स्टाफ हैं, इंप्लॉयज हैं, किसी किसी स्टेट में अप टू 20 इंप्लॉयज, तो ये मैंडेटरी हो जाता है उस पर्टिकुलर इंप्लॉयर के लिए कि वो अपने आप को रजिस्टर करे ईएसआईसी में और ईएसआई का बेनिफिट दे अपने इंप्लॉयज को। कैसे इंप्लॉयज को? तो जिनका मंथली अर्निंग 21,000 या उससे कम है। इसके लिए कुछ रेट फिक्स है। जैसे इम्प्लाई का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मंथली इनकम जो इम्प्लाई का है उसका 0.75% होगा, जबकि एट द सेम टाइम हर एक मंथ इम्प्लायर का कंट्रीब्यूशन 3.25% होगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे टैली प्राइम के अंदर, आइए बिना समय गवाए चलते हैं टैली प्राइम के ऊपर। देखिए, यहाँ पे मैंने टैली प्राइम में एक कंपनी बना के रखी है जिसमें मैंने ऑलरेडी पेहेड्स वगैरह बना रखा है। अभी सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है F11 के अंदर जाके, फीचर्स के अंदर जाके, कि आपने जो मेंटेन पेरोल को यस किया है उसके बाद आपको इनेबल पेरोल स्टैचुरी को भी यस कर लेना है। अगर ये नो है तो, अब जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, ईएसआई वगैरह से रिलेटेड जो भी कोर्स वगैरह हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद एम्प्लॉयर्स के पास होंगे वो यहाँ पे फीड कर देना। मैंने ऐसे ही कुछ डमी डेटा यहाँ पे फीड कर रखा है और कंट्रोल से मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अभी जो सबसे पहला काम है वो है पेहेड बनाना। तो कैसे? ईएसआई का दो पेहेड बनेगा, एक इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो कि 0.75% होगा और दूसरा इंप्लायर कंट्रीब्यूशन का जो कि 3.25% होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में सेलेक्ट करना है क्रिएट ऑप्शन, यहां इंटरप्रेस करके आपको चले आना है पेरोल मास्टर्स के अंदर, पेहेड्स को सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करना है। अब यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, और इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का रेट क्या है? ईएसआई एट 0.75%। ये मैंने नेम यहां पे फीड कर दिया, आप कोई और नाम भी अपने हिसाब से फीड कर सकते हो। ये चला जाएगा अंडर इंप्लाइज स्टैचुरी डिडक्शंस। स्टैचुरी पे टाइप जो है वो यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहां पे आपको इसके लिए सेलेक्ट करना है इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मतलब ईएसआई। ये चला जाएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, अफेक्ट नेट सैलरी, यस। यहां पे नेम टू बी डिस्प्लेड वही मैं रहने देता हूं, आप चाहो तो यहां पे चेंज कर सकते हो। अब यहां पे ये ऑलवेज एज कंप्यूटेड वैल्यू होता है। अब यहां पे दो चीज है, या तो आप ऑन करंट अर्निंग टोटल कर सकते हो या फिर आप ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर सकते हो। तो ऐसा है कि मैं ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही सेलेक्ट करता हूं, इंटरप्रेस करता हूं। अब वैसे पेहेड को आपको यहां पे ऐड करना है जो इंप्लॉय के लिए अर्निंग है। जैसे मेरे एग्जांपल में ये बेसिक है, ऐड पेहेड, प्लस डीए है, ऐड पेहेड, और साथ में एचआरए है। हो सकता है आपके केस में कोई और भी यहां पे पेहेड्स हो, जैसे ओवर टाइम हो सकता है या जो भी हो, वो आपको यहां पे ऐड कर लेना है। फिलहाल मैंने इस तीन चीज को ऐड कर लिया, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। इफेक्टिव फ्रॉम, चलो मैंने एक डेट डाल दिया जो भी डेट है। अभी ये इसका परसेंटेज आपको फीड करना है, ये परसेंटेज 0.75 ही होगा। यहां पे आपको 0.75% डाल देना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। सिमिलरली आपको बनाना होगा इंप्लॉयर्स, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, इसका जो रेट है एट द रेट 3.25%, यहां पे मैंने फीड कर दिया। अभी ये चला जाएगा इंप्लायर्स स्टैचुरी कंट्रीब्यूशंस में, क्योंकि ये जो है ना, जिस कंपनी में कोई इंप्लॉय काम कर रहा है वो कंपनी, मतलब वो इंप्लायर हो गया वो कंपनी, तो वो इंप्लायर जो है वो अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है 3.25% इंप्लॉय के अर्निंग का। ओके, ये सेलेक्ट कर लेना, ये चला जाएगा आपका इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर। अंडर में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस देना है, एक्सपेंसेस, क्योंकि कंपनी के लिए, इंप्लायर के लिए जो है ये एक्सपेंसेस ही तो है। अफेक्ट नेट सैलरी बिल्कुल नहीं, यहां पे नो रखना है।
और उसके बाद आपको यहाँ ऑन करंट अर्निंग टोटल भी आप डाल सकते हो या आप ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो जो अगर फॉर्मूला आपने इससे पहले वाले में डाला है इंप्लॉय वाले ईएसआई में, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला ही डालना है। यहाँ पे फिर अगेन आपको ऐड कर लेना है बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। अभी एंड ऑफ लिस्ट आप चाहो तो और भी जो भी यहाँ पे पेहेड्स होंगे अर्निंग टाइप का वो आप फीड कर लेना अपने से अगर ज्यादा होंगे तो। इसका परसेंटेज आपको 3.25% डालना है और फाइनली कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से आपने दो पेहेड बनाया, एक पेहेड आपने बनाया इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का और दूसरा आपने बनाया इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो रेट है जो वो है 0.75%, जबकि इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो रेट है वो है 3.25%। अब यहां के बाद आपको डिफाइन करना होगा सैलरी, जिसके लिए आपको अल्टर में जाना है, सेलेक्ट कर लेना है डिफाइन सैलरी ऑप्शन। अभी यहां पे आपको वन बाय वन सारे इंप्लॉयज के लिए डिफाइन करना होगा। मेरे पास तीन इंप्लॉय है, तो चलो पहले इंप्लॉय के लिए मैंने यहां डिफाइन किया, जहां पहले से मैंने बेसिक्स वगैरह फिट कर रखा है। यहां पे मैंने इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन भी सेलेक्ट कर लिया और इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली बाकी इंप्लॉय के लिए भी आपको यही चीज कर लेना है अगेन। तो चलो यहाँ पे मेरे पास तीन इंप्लॉय है, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं कि ये तीनों इंप्लॉय के लिए मैंने ये काम कर लिया। अभी यहां के बाद अब आपको एंट्री करनी होगी सैलरी अकाउंट की। सबसे पहले तो वाउचर्स में आपको आना है। यहां पे देखो मैंने ऑलरेडी अटेंडेंस बना के रखा है, ये काम आपको पहले से करके रखना है। अब सबसे पहला चीज है आपको सैलरी की एंट्री करनी है, जिसके लिए आपको F10 पे क्लिक करना है और यहां से पेरोल को सेलेक्ट करना है। ओके, अब यहां पे आपको कंट्रोल F ऑटोफिल के लिए शॉर्टकट क्लिक करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है, या आप चाहो तो माउस से ऑटोफिल बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहां पे आपको क्या सेलेक्ट करना है भाई, तो पेरोल ऑटोफिल। अभी आप तो सैलरी ही पे कर रहे हो, तो यहां पे सैलरी, चलो ये डेट आपका जो भी डेट है जो मंथ का वो आप डाल दो। ऑल आइटम्स सारे एम्प्लॉयज के लिए हमको करना है एम्प्लॉयज नेम पे। अभी यहां पे मैं क्रिएट कर लेता हूं एक पेड सैलरी पेबल। सैलरी पेबल जो है ये यहां पे नॉट अप्लीकेबल और ये चला जाएगा अंडर करंट लाइबिलिटीज। अब देखो यहां पे तीन इंप्लॉय आपके पास है। फरदीन अख्तर जो है इसकी जो बेसिक डीए प्लस एचआरए है ये 21,000 से कम है, तो यहां पे इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया 0.75%। सोहन सिंह इसका भी जो सैलरी है वो 21,000 से कम है, इसके लिए भी ये इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन कट गया 57 रुपए 16 पैसे। जबकि जैद खान इसकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है, तो यहां पे इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन में यहां पे ब्लैंक है, क्योंकि नियम कहता है कि वैसे इंप्लॉय का ही कोई ईएसआई का फायदा मिलेगा जिसकी सैलरी 21,000 या उससे कम है। तो इस तरह से ये ईएसआई जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो उसकी एंट्री हो गई। अब हर एक महीने लास्ट में पेरोल की एंट्री के बाद आपको कंट्रीब्यूशन की भी एंट्री करनी होगी, जिसके लिए पेरोल में ही रह के आपको अगेन ऑटोफिल पे क्लिक करना है, पेरोल ऑटोफिल को सेलेक्ट करना है। लेकिन इस बार आप सैलरी नहीं सेलेक्ट करोगे, इस बार आपको ईएसआई कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है। डेट तो जिस महीने का आप डालोगे वो डेट रेंज आपको डाल देना है। फॉर ऑल आइटम्स एम्प्लॉय नेम, और यहां पे अगेन आपको एक लेजर बनाना है ईएसआई पेबल। ईएसआई पेबल भी जो है वो आपका चला जाएगा अंडर, यहां पे तो पेड टाइप पे नॉट अप्लीकेबल, अंडर करंट लाइबिलिटी। और यहां देखो फरदीन अख्तर का 282 रुपया 54 पैसा ये कंट्रीब्यूशन हो गया इंप्लायर कंट्रीब्यूशन, सोहन सिंह का भी हो गया, लेकिन जैद खान का नहीं होगा क्योंकि इसकी सैलरी कहीं ना कहीं 21,000 से ज्यादा है। अब इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपने एक एंट्री की पेरोल की, जिसमें आपने सैलरी फिट किया, वहां पे आपका इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.75 वहां पे हो गया, और एक एंट्री ये जो अभी अभी हम लोगों ने किया ये ईएसआई कंट्रीब्यूशन का, ये हर महीने आपको करना होगा पेरोल के ठीक बाद। अब यहां से हम लोग बाहर चले आते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, देखो यहां पे आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आओ, यहां से आप पेरोल रिपोर्ट्स में अगर आते हो, देखो यहां पे पे स्लिप आप देखो किसी एक इंप्लॉय का, चलो फरदीन अख्तर का मैं देखता हूं, तो फरदीन अख्तर का देखो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन ईएसआई 0.75%, ये आपका यहां पे दिख रहा है, ये डिडक्शन है क्योंकि ये डिडक्ट ही तो हुआ है। इसी तरह से आपको हर एक इंप्लॉयज के लिए चीज दिख जाएगा। देखो यहां सोहन सिंह के लिए भी सेम है, जैद खान के लिए ये डिडक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इसकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है। ये तो ही एक बात।
अभी आप अगर स्ट्रेचर रिपोर्ट्स में आना चाहते हो, स्ट्रेचर रिपोर्ट्स देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे स्ट्रेचर रिपोर्ट सेलेक्ट करो और इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को आप सेलेक्ट करो। यहाँ पे देखो आपके पास मंथली स्टेटमेंट है। अभी अगर आप यहाँ से प्रीव्यू देखोगे, मैं इसे जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो ये जो है ना दो इम्प्लॉय फरदीन अख्तर एंड सोहन सिंह, तीन तीन इम्प्लॉय थे, इसमें से दो ही इम्प्लॉय का जो है इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का यहाँ दिख रहा है और साथ में इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, चूंकि तीसरा इम्प्लॉय का या वैसे इम्प्लॉय का यहाँ पे नहीं दिखेगा डिटेल्स जिसके सैलरी 21,000 रुपये से ज़्यादा हो। ये हर महीने का स्टेटमेंट आपको निकाल लेना है। अभी यहाँ से अगर आप फॉर्म नंबर 3 देखोगे, तो फॉर्म नंबर 3 जो है, देखो ध्यान से, ये जो है डिक्लेरेशन है जो आपको निकालना होगा, रिटर्न ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी आपको हर महीने निकाल लेना है। तो इस तरह से डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो आपको यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी टैली प्राइम के अंदर बहुत आसानी से ESI की एंट्री कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला हो, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अपने इस YouTube चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।